हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आत्मानंद स्कूल के बारे में। आप सभी को पता है कि आत्मानंद स्कूल्स में जब शिक्षक की भर्ती की जाती है तो वो एक तरह से एडहॉक तौर पर, कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पर की जाती है, और इससे बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी इस व्यवस्था से परेशान हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है। तो जो हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि इसमें केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को ही लिया जाता है, जिसमें अगर हिंदी और संस्कृत विषय को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विषयों के लिए ऐसे अभ्यर्थी को मौका दिया जाता है जिसने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाई की है। तो ऐसे में जो बहुत सारे, जो हजारों लाखों की संख्या में जो हिंदी माध्यम से पास आउट होने वाले कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा लगातार ये मांग की जाती रही है कि आत्मानंद स्कूल में भी हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए, ताकि वो भी एक तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अपना योगदान दे सकें और एक अच्छा शिक्षक बन करके दिखाएं और जो है बच्चों का भविष्य संवारें। लेकिन अथक प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक ये व्यवस्था नहीं की जा सकी है कि हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को भी उसमें मौका दिया जाए। इसी को लेकर के जो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उनसे एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया, ये जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं आत्मानंद स्कूल्स, ठीक है, उसके बारे में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या व्यवस्था आगे की जानी है, क्या इस व्यवस्था में कुछ सुधार किया जाना है, या इसके बारे में और भी सवाल पूछे गए। तो उस सवाल के जवाब में श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने क्या कुछ कहा है, क्या सवाल उनसे पूछे गए, क्या उन्होंने बताया है, ठीक है, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप अभी आगे देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। आज तक स्वामी आत्मानंद स्कूलों को लिए कोई स्थायी व्यवस्था, कोई बजट में प्रोविजन, कोई तनख्वाह का प्रोविजन, वो तो एडहॉक तरीके से उन्होंने खोली है। सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिले। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोगों से सलाह मशविरा कर कर और उसके लिए एक ऐसी नीति हम बनाएंगे कि बच्चों में आपस में विभाजन ना हो और सभी बच्चों के साथ में एक जैसा व्यवहार हो, ये हमारी कोशिश होगी। आत्मानंद से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं वो थोड़े विचलित, थोड़े परेशान हैं। क्या उन्हें डरना चाहिए जो तदर्थ में एडहॉक में हैं, या उन्हें इंतज़ार करना चाहिए नई व्यवस्था का? अगर जिनकी गलत नियुक्ति हुई होगी उनको डरना चाहिए, और जिनकी सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, ये इस वीडियो क्लिप में उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आत्मानंद स्कूल्स की जो व्यवस्था है उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाना है, क्या उसमें कुछ सुधार किया जाना है। तो श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कहा है कि इसमें जो अस्थायी तौर पर जो शिक्षकों की भर्ती होती है, जो संविदा तौर पर जो भर्तियां होती हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और एक समान शिक्षा सभी को तभी मिलेगी जब एक तरह से सभी पद जो है रेगुलर बेसिस पर भरे जाएंगे, ठीक है। तो उनका यही साफ तौर कहना था कि जो संविदा तौर पर जो पद भरे जाते हैं, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आत्मानंद स्कूलों में भी रेगुलर भर्ती की जाएगी। इस तरह से उनकी बातों से यही प्रतीत हो रहा है, ठीक है। और अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये मांग तो की ही जा रही है कि आत्मानंद स्कूलों में भी हिंदी माध्यम वालों को मौका दिया जाए, तो ये भी बदलाव आगे आपको देखने को मिल सकता है कि हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को भी उसमें मौका दिया जा सकता है। अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि हिंदी माध्यम वालों को उसमें मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, या फिर उसके उनके पदों को रेगुलर कब किया जाएगा, या उसमें नई भर्ती के माध्यम से, ठीक है, किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, ये आगे हम आने वाले समय में, निकट भविष्य में ये देख पाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ यही आशा की जा सकती है कि उसमें हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि ये नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय इत्यादि, जहाँ इंग्लिश माध्यम से भी जो है पढ़ाई होती है, वहाँ भी जब शिक्षकों की भर्ती होती है तो प्योर इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट को वहाँ पर नहीं लिया जाता, बल्कि हर तरह के इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम वालों को, दोनों को वहाँ पर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आत्मानंद में भी अगर किया जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाने में ये तरीका जो है ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये आगे देखेंगे कि क्या होगा।
इसके अलावा जो अभ्यर्थीगण हैं वो लगातार जो है तैयारियां कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि निकट भविष्य में आप लोगों को फिर से एक नई शिक्षक भर्ती के तौर पे जो है शिक्षक भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो कुछ पद बचे हुए हैं उनकी भर्ती आगे आने वाले समय में जल्द ही की जाएगी, कि जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने आदेश दिया है कि जल्द ही इसके लिए काउंसलिंग शुरू कर दी जाए। ठीक है, इसके अलावा जब ये भर्ती हो जाती है तो आपको बहुत ही जल्द नई शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल सकती है। तो अपनी तैयारियां लगातार जारी रखें। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों के कोई डाउट या कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।